कक्षा चार की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पांचवा पाठ अनीता की मधुमक्खियाँ पृष्ठ अड़तीस मेरा नाम अनीता खुशवाहा है मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है मेरे घर में माँ पिताजी और दो छोटे भाई हैं मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था यह एक सच्ची कहानी है अनिता खुशवाहा एक चमकता सितारा है चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी पृष्ठ उनतालीस स्कूल जाना एक सपना एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई मुझे बहुत अच्छा लगा घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बता दिया उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया उस दिन मैं बहुत रोई मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है उन्होंने बताया कि आठवीं तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है आप एक तालिका बनाओ एक कॉलम में चीज़ें लिखो दूसरे कॉलम में उसमें आने वाला खर्चा एक स्कूल आने जाने में कितना खर्चा कॉपियाँ कितना खर्चा पेंसिल पेन कितना खर्चा यूनिफॉर्म कितना खर्चा बस्ता कितना खर्चा खाने का डिब्बा कितना खर्चा जूते कितना खर्चा इसके अलावा और कोई चीज़ है तो उसको भी लिखें उसमें कितना खर्चा होता है और फिर बताएं इन सब का कुल खर्च पृष्ठ चालीस तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी हैं तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो बच्चों के दो समूह बनाओ स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए इस बात पर वाद विवाद करो स्कूल में अनीता कहती है देखते ही देखते पांच साल बीत गए मैंने पांचवी कक्षा पास कर ली मुझे पता चला कि छठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी मैंने हल ढूंढ ही लिया मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं आगे की पढ़ाई कर पाई एक याद मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया दो बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी बताओ क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए उनके बारे में कक्षा में बताओ पृष्ठ इकतालीस हर बच्चे को हक है कि वह आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है चर्चा करो क्या है आर अधिनियम 2009? यह छह से चौदह साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था एक राज मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया बहुत बार चोट लगी पर मजा आया स्कूल से मधुमक्खी पालन तक हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है उनके नाम पता करो और लिखो कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज होती है वैसी आवाज निकालो पृष्ठ बयालीस अनीता मधुमक्खी पालक मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर कर पाँच हजार रुपये बचाए इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के दो बक्से खरीदे एक बक्से की कीमत दो हज़ार रुपये थी बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ ख़रीदीं पृष्ठ तैतालीस सितंबर का महीना था दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गईं कि दो बक्से कम पड़ने लगे मैंने दो बक्से और खरीदे मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे दर्द भी बहुत होता था पर कहती किससे यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था ना? पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम रखो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा मुझे हर बक्से से बारह किलो शहद मिला जो मैंने बाज़ार में बेचा मुझे अपनी पहली कमाई मिली अब मेरे पास बीस बक्से हैं अनीता के बीस बक्सों की कुल कीमत क्या थी मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ कॉलेज गांव से पाँच किलोमीटर दूर शहर में है जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं पृष्ठ चवालीस सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है अनीता होलसेलर बनना चाहती है जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके पता करो अनीता और गांव वालों को एक किलो शहद के बदले पैंतीस रुपये मिलते हैं तुम्हारे यहाँ एक किलो शहद कितने रुपयों का मिलता है तुमने किस किस रंग का शहद देखा है क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है किस किस काम के लिए हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं ये दिन भर काम करती हैं शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है पृष्ठ पैतालीस वे रस से शहद बनाती हैं छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ ख़ास काम नहीं करती मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं मधुमक्खियों की तरह ही चीटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं सभी चीटियों का काम बटा होता है रानी चीटियाँ अंडे देती हैं सिपाही चीटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चीटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं दीमक और तत्ये भी इसी तरह समूह में रहते हैं तुमने चीटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चीटियाँ ज़्यादा आती हैं उनकी सूची बनाओ चीटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है पृष्ठ छियालीस क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है कैसी थी वह काली या भूरी छोटी या मोटी या किसी और तरह की क्या चींटी तुम्हारे पास आती है कब कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो चींटियों के कितने पैर होते हैं बड़ी चींटी के पैर कितने होते हैं छोटी चींटी के पैर कितने होते हैं एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होंगे चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो उन पर रंग भरना मत भूलना